अस्सलामुअलैकुम बच्चों, जनाब कुतुबुद्दीन मौले बॉयज़ प्राइमरी स्कूल। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में हिंदी पढ़ेंगे। बच्चों, हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 4, सोच अपनी अपनी। बच्चों, कल हमने चित्रपट से वाक्य देखे और उसके सवाल जवाब भी हमने लिखे, सही है? अब हम आगे आज एक कहानी पढ़ेंगे 4th पार्ट में, और उस कहानी का नाम क्या है? टोपी वाला और बंदर। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें एक चित्र दिखाया है, दिख रहा है चित्र? इस पर से अब हम कहानी पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज़ सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था। उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। बच्चों, एक व्यापारी है और वो टोपियां बेचने एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, और वो एक गांव में रंग बिरंगी टोपियां बेचकर दूसरे गांव की ओर जा रहा था। देखो बच्चों, हमें चित्र में दिख रहा है। अब हम आगे देखते हैं। यह रहा हमारा दूसरा चित्र। चलते चलते वह बहुत थक गया था। व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो क्या हुआ, उसको थक गया। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से टोपी उतार कर नीचे रखा और गले से गमछे को उतार कर ज़मीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद वह गहरी नींद में सो गया। बच्चों, व्यापारी एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था और वो क्या हो गया, बहुत थक गया था। तो उसने क्या सोचा कि बीच में जंगल है, जंगल में बरगद का पेड़ है, तो क्यों ना मैं थोड़ा आराम कर लूँ। उसने सारी जो टोपरी के अंदर टोपियाँ थी उसको नीचे उतार कर रख दिया। अपने सर के ऊपर जो टोपी थी वो उसने ज़मीन पर रखी और उसके गले में गमछा यानी कि कपड़ा था वो उसने बिछा दिया और वो गहरी नींद में सो गया। अब हम आगे देखते हैं। यह रहा बच्चों हमारा तीसरा चित्र। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। अब व्यापारी क्या हो गया, गहरी नींद में सो गया। अब जिस पेड़ के नीचे सोया था उस पेड़ पर क्या थे, बंदर। पर व्यापारी के सोते ही बंदरों ने हमला बोल दिया यानी कि उसकी जो टोपियाँ रखी थी उसे छेड़ने के लिए आ गए। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद से वहाँ शोर हुआ और व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियाँ गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियाँ न बेचने से उसका कितना नुकसान हो जाएगा। बच्चों, व्यापारी गहरी नींद में सो जाता है। उसी पेड़ पर बंदर होते हैं और बंदर क्या करते हैं, ऊपर से पेड़ से नीचे आते हैं और एक एक टोपी लेकर ऊपर पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं और शोर मचाते हैं। इतने में व्यापारी उठ जाता है और वो देखता है तो उसकी जो टोकरी है वो खाली है और वो सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं इन लोगों के पास से टोपी वापस नहीं लूँगा तो मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों,
व्यापारी गहरी नींद में से उठा और वो देख रहा है ऊपर बंदर है कि इन लोगों के पास से टोपी वापस कैसे ली जाए। अब हम आगे देखते हैं। यही सब सोचते हुए वह अपना सिर खुजाने लगा, यानी कि वो सोच में पड़ गया कि अब इन बंदरों के पास से मैं टोपी कैसे वापस लूँ। उसे ऐसा करता देख बंदर भी अपने सिर खुजलाने लगे। व्यापारी को यह देख गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सिर पर अपना हाथ तेज़ी से मारा, यानी कि व्यापारी गुस्सा हो गया और क्या करने लगा, अपने सिर पर उसने तेज़ी से एकदम गुस्से से हाथ मारा। बराबर, अब हम आगे देखते हैं। बंदरों ने भी अपने हाथ से अपने सिर पर तेज़ी से मारा। जैसे ही व्यापारी अपने सिर पर उसका हाथ तेज़ी से मारता है, वैसे ही बंदर भी अपना सिर पर हाथ मारते हैं, यानी कि उसकी नकल करते हैं। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया। व्यापारी को क्या समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। और व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वो अपनी टोपियाँ वापस ले सकता था, यानी कि व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर के पास से अब वापस टोपी कैसे ली जाए। क्यों? क्योंकि व्यापारी की नकल कर रहे थे कौन? बंदर। जैसा व्यापारी करता था वैसा बंदर करते थे। तो उसे समझ आ गया कि मैं अब इन लोगों से टोपी कैसे वापस लूँ। आगे, अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था उसको सिर पर पहन लिया। बंदरों ने झट से हाथों में पकड़ी हुई टोपियाँ सिर पर पहन ली। अब क्या किया, उसने जो सिर के नीचे टोपी रखी थी जब वो बरगद के पेड़ के नीचे सोया था, उसने क्या किया, उसने सर पर पहन ली। बंदरों के पास भी टोपी थी तो बंदरों ने क्या किया, वो भी सर पर पहन ली। अब व्यापारी क्या करता है, वो अपनी सर की पहनी हुई टोपी ज़मीन पर फेंक देता है। और जब व्यापारी नकल के उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियाँ ज़मीन पर फेंक दी, यानी कि जैसे ही बंदरों ने भी टोपी जो पहनी थी वो नीचे ज़मीन पर फेंक दी। कैसे फेंकी, कि व्यापारी ने पहनी हुई टोपी फेंक दी तो बंदरों ने भी फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम आ गई, यानी कि व्यापारी की तरकीब क्या हो गई, काम आ गई। उसने नकल से अपनी वापस टोपियाँ ले ली। अब हम आगे देखते हैं। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियाँ इकट्ठा कर ली। जैसे ही बंदरों ने ज़मीन पर टोपियाँ फेंकी, सब जल्दी जल्दी इकट्ठा करी और सभी टोपियों को रखने से व्यापारी वहाँ से तुरंत बेचने के लिए गांव से चला गया। ज़मीन पर पड़ी हुई टोपियाँ वो अपनी टोकरी में भर लेता है। देखो बच्चों, चित्र में बताया है, बराबर, वो सब टोपियाँ भर रहा है अपनी टोकरी में और वो कहाँ जाता है, गाँव की ओर चला जाता है। कहानी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमें घबराना नहीं चाहिए, हर हाल में समझदारी से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी पूर्ण होती है और हमें किसी भी परिस्थिति हो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। थैंक यू।